अजमेर भारत के राजस्थान राज्य का प्रमुख व ऐतिहासिक नगर है। अजमेर शहर अपने पुराने स्मारकों जैसे ब्रह्मा मंदिर, तारागढ़ किला, अढ़ाई दिन का झोपड़ा, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, नारेली जैन मंदिर और पुष्कर झील के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। ऐतिहासिक अजमेर भारत और विदेश से तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को अट्रैक्ट करता है। सो फाइनली हम लोग आ पहुँचे हैं हार्ट ऑफ राजस्थान, जिसे कहा जाता है अजमेर सिटी। बहुत ही खूबसूरत सी ये सिटी है और यहाँ के जायके भी बहुत ही कमाल के हैं। हे गाइस, ज्योति शर्मा दिस साइड फ्रॉम भूकड्डा। आज हम लोग आ गए हैं अजमेर का फूड एक्सप्लोर करने और आपको दिखाएंगे अजमेर के हिडन जेम्स, जहाँ पर मिलता है बढ़िया बढ़िया खाना। सो बने रहे एंड तक मेरे साथ और एंजॉय करें अजमेर के इस हिडन फूड टूर को। आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब ना किया हो, और ऐसे ही मेरे साथ मजेदार फूड वीडियोस को एंजॉय करते रहें। सबसे पहले आ गए हैं हम लोग अजमेर शहर के मेन मार्केट में। मदार गेट पर अंकल अपनी ये पानी पूरी की छोटी सी कार्ट लगाते हैं, जहां मिल जाते हैं बढ़िया वाली पानी पूरी, दही वड़ा, कचौड़ी, समोसा और पापड़ी। अजमेर शहर की कड़ी कचौड़ी के बारे में तो आप लोगों ने बहुत ही सुना होगा, लेकिन यहाँ की जो खास बात ये है, अंकल कचौड़ी और समोसे को सर्व करते हैं दही और डिफरेंट टाइप्स की चटनी के साथ में। यहाँ के पानी पूरी का टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि इसका जो पानी होता है वो मिट्टी के बर्तन में रखा जाता है, तो इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी रश भी रहता है, तो आप लोग जब कभी भी अजमेर घूमने आ रहे हैं तो यहाँ पर अंकल जी के बढ़िया वाले पानी पताशे ट्राई करना बिल्कुल भी मिस ना करें। बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है, मस्ट ट्राई। इसके बाद हम लोग आ पहुँचे हैं महाकाल स्वीट्स एंड नमकीन, जो कि सिचुएटेड है मदार गेट चौक पर। यहाँ मिल जाते हैं कचौड़ी और समोसा, वो भी सिर्फ 5 रुपये में। बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट है, तो आप लोग यहाँ आ रहे हैं तो महाकाल स्वीट्स की कचौड़ी और समोसा ट्राई करना बिल्कुल भी मिस ना करें। अजमेर में अगर आपको बढ़िया वाले पानी पताशे खाने हैं तो सीधे आ जाइए आप झूलेलाल पानी पताशे वालों के यहाँ पर। यहाँ के पानी पताशे की खास बात यह है कि जो इनका पानी होता है वो होता है इमली वाला, तो खट्टा मीठा परफेक्ट कॉम्बिनेशन रहता है। और यहाँ की जो दही पूरी है वो भी बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है। आप देख ही सकते हैं दिखने में कितनी ही टेम्पटिंग है। आप लोग आइए और यहाँ की दही पपड़ी और पानी पताशे ट्राई करें, आप लोगों को डेफिनेटली बहुत पसंद आएंगे। इनकी जो शॉप है वो है गांधी भवन के पास में, तो आप लोग आइए और खुद ही टेस्ट करिए यहाँ की ये डिलीशियस वाली दही पताशी। अब अजमेर में आप लोग एंजॉय कर सकते हैं कुचामन की स्पेशल कचौड़ी। हम लोग आ पहुँचे हैं कुचामन स्पेशल कचौड़ी खाने के लिए, और आप जो ये ब्यूटीफुल सी कार्ड देख रहे हैं ये आपको मिल जाएगी सुभाष उद्यान के मेन गेट के बाहर। इनकी 2 आउटलेट है, एक तो आपको मिलेगी सुभाष उद्यान के गेट के बाहर और दूसरी है इनकी नई चौपाटी के पास में। इनकी कचौड़ी की स्पेशलिटी ये है कि जो इसकी फिलिंग है वो होती है स्प्राउट्स की, और स्प्राउट्स तो हेल्थ के लिए अच्छे होते ही हैं। इस स्प्राउट्स वाली कचौड़ी को सर्व किया जाता है दही के साथ में, और साथ में डाली जाती है मीठी चटनी और हरी चटनी। हम लोगों ने भी लगवा ली है अपने लिए एक कचौड़ी, करते हैं इसे टेस्ट और आपको बताते हैं कि ये टेस्ट में कैसी है। यहाँ हमारी कचौड़ी लगकर के रेडी हो चुकी है, बिना देर किए खाते हैं। बहुत ही कमाल का टेस्ट है, मस्ट ट्राई। जो सुंदर सी लोकेशन आप देख रहे हैं ये है अजमेर शहर की पुरानी चौपाटी, जहाँ पर अब बहुत सारे रेस्टोरेंट, कैफे, स्ट्रीट फूड कार्ट ओपन हो चुके हैं। यहाँ पर ढेरों खाने पीने के ऑप्शंस भी आपको मिल जाते हैं। बहुत ही अच्छी जगह है अजमेर शहर में, अगर आप नाइट के टाइम पर घूमने आ रहे हो तो इस जगह ज़रूर आए। घूमने के साथ साथ आपको यहाँ पर
खाने में भी बहुत ही मजा आएगा। अजमेर शहर में मसाला चौक भी है जहां पर खाने की बहुत सी वैरायटी है। इसका भी मैंने सेपरेट वीडियो अपलोड कर रखा है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। सो फाइनली हम लोग आ पहुंचे हैं एक ऐसी जगह जो अभी रिसेंटली पूरे अजमेर में बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रखे हैं। ये है अजमेर के नेपाली कपल और यहाँ का जो फूड है बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है और प्राइस भी बहुत ही ज़्यादा रिजनेबल है। पूरे अजमेर में अगर आपको कलरफुल वाले मोमोज खाने हैं तो आपको सिर्फ यहीं आना पड़ेगा। ये वाले मोमोज आपको अजमेर में और कहीं भी नहीं मिलेंगे। तो हम लोगों ने अपने लिए यहाँ पर लगवा ली है एक प्लेट वेज मोमोज की। करते हैं टेस्ट और आपको बताते हैं कि ये टेस्ट में कैसे हैं। ऐसे ही बढ़िया बढ़िया खाने के फूड वीडियोस को एंजॉय करने के लिए भूख अड्डा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना भी मिस ना करें। तो यहाँ लग कर के रेडी हो गई है हमारे कलरफुल मोमोज की प्लेट। आप देख ही सकते हैं स्टफिंग इसकी कितनी ही बढ़िया है। आप भी अगर मोमोज के दीवाने हैं तो हाईली रिकमेंडेड है ये मेरी तरफ से जाएं और इन नेपाली कपल के ये कलरफुल वाले मोमोज जरूर ट्राई करें। इसके बाद मैंने यहाँ पर ऑर्डर किया था ग्रेवी वाले मंचूरियन। इनके मेन्यू में आपको मिल जाते हैं मोमोज, पनीर मोमोज, चाउमीन, मंचूरियन और स्प्रिंग रोल। और इनके जो बनाने का तरीका है ऑथेंटिक चाइनीज स्टाइल में यहाँ पर फूड को प्रिपेयर किया जाता है। और ये जो भैया हैं ये खुद से शेफ है, तो आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो टेस्ट की तो बिल्कुल ही फिक्र ना करें। आपको पूरे अजमेर में अगर बढ़िया वाला चाइनीज़ फूड खाना है तो आप सीधे यहीं पर आएँ। अजमेर शहर के फेमस फूड का मैंने अलग से वीडियो अपलोड किया हुआ है, तो मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो आप जब भी कभी अजमेर आ रहे हैं तो यहाँ के डिलीशियस जायकों को एंजॉय किए बिना बिल्कुल भी ना जाए। आपको अजमेर शहर के जायके बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। अजमेर स्मार्ट सिटी दिखने में जितनी ही खूबसूरत है, छोटी सी सिटी है लेकिन बहुत ही सुंदर सुंदर यहाँ पर नज़ारे हैं। और नज़ारों के साथ साथ यहाँ पर मिलने वाले खाने का जो टेस्ट है वो अपने आप में बहुत ही कमाल का है। आप लोग किस किस सिटी से इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में मुझे जाके ज़रूर बताएं। और अगर आप लोग अजमेर से हैं, आप लोगों ने यहाँ का चाइनीज़ फूड ट्राई किया है तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताएं। ये है फूड जोन का मेन्यू। आप देख ही सकते हैं चाइनीज़ फूड में कितनी सारी वैरायटी है इनके पास में और प्राइस भी रिजनेबल है। तो यहाँ लग कर के रेडी हो गया है हमारा ग्रेवी मंचूरियन, बहुत ही अच्छी वाली इसमें से खुशबू आ रही है। बिना देर किए करते हैं इस टेम्पटिंग से मंचूरियन को टेस्ट। आप लोग कॉमेंट सेक्शन में जाके बताइए गाइज आप लोगों को ये ग्रेवी मंचूरियन कैसा लग रहा है। ओए होए 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 क्या ही कहना, आप खुद ही आइए और टेस्ट कर लीजिए फूड जोन का डिलीशियस वाला फूड। यहां से थोड़ा आगे चलते ही हमें दिख जाते हैं सेवन वंडर्स, जो कि अभी अजमेर का अट्रैक्शन भी बना हुआ है। अगर आप लोग अजमेर घूमने आ रहे हैं तो यहाँ पर आना भी मिस ना करें, आप लोगों को ये जगह बहुत ही पसंद आएगी। और ये जो आप जगह देख रहे हैं ये है नई चौपाटी वाली सड़क, यहाँ पर भी आपको ढेरों फूड कार्ट मिल जाएंगे। अजमेर शहर की फेमस आना सागर झील जिसके चारों तरफ अब बन चुका है पाथवे, तो अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पर वॉक भी कर सकते हैं। और इस झील के चारों तरफ बहुत ही बढ़िया बढ़िया कैफ़े, रेस्टोरेंट, गार्डन और टूरिस्ट प्लेस बने हुए हैं, तो यहाँ आप आना बिल्कुल भी मिस ना करें अगर आप अजमेर घूमने आ रहे हैं। तो हम लोग आ पहुँचे हैं नई चौपाटी और अब आपको यहाँ पर दिखाएँगे बढ़िया वाला नज़ारा। ये है अजमेर शहर की खूबसूरत सी आना सागर लेक,
व्यू आप देख ही सकते हैं, बहुत ही सुंदर सा है। और रात के टाइम पर यहाँ पर म्यूजिकल फाउंटेन भी चलते हैं, तो बहुत अच्छी जगह है अगर आप यहाँ घूमने आ रहे हैं। घूमने के साथ साथ आपको यहाँ पर मिल जाते हैं खाने पीने की बढ़िया वाली फूड कार्ट। तो सबसे पहले हम लोग आ गए हैं स्टेर इट अप। यहाँ पर एक कपल है जो कि सेल करता है मफिन्स और चीज केक्स। इनकी जो केक्स हैं वो प्योर वेज है, आप देख ही सकते हैं दिखने में कितने ही ब्यूटीफुल से लग रहे हैं, और इनके केक बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस भी है। आप लोग भी अगर इनका मफिन या केक्स ट्राई करना चाहते हैं तो ये आपको मिलेंगे ओनली फ्राइडे टू संडे। वीक में ये 3 डेज ही अपनी कार्ट लगाते हैं। अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पर केक का ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं। इनके केक भी बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं और यहाँ के केक का टेस्ट है बहुत ही अल्टीमेट। अगर आप लोग बढ़िया वाला केक पूरे अजमेर में ट्राई करना चाहते हैं तो सीधे आ जाइए स्टेर इट अप। आपको यहाँ का केक बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, बच्चे ही नहीं बड़ों को भी यहाँ पर केक बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो चलिए अब बिना देर किए करते हैं यहाँ के मफिन और कपकेक को ट्राई। टेस्ट बहुत ही बढ़िया है और क्वांटिटी भी बढ़िया है, तो आइए यहाँ का चीज़ केक और मफिन ट्राई करिए। यहाँ से थोड़ा आगे निकलते ही हमें दिख जाती है ये कार्ट मिल्की वे होम बेकर्स। यहाँ मिल जाते हैं केक्स, चीज़ केक्स और ट्रफल्स। अगर आप लोग ब्राउनी खाना पसंद करते हैं तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। मैंने ट्राई किया था इनका चोको ब्राउनी जिसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट था। तो आप लोग भी अगर ब्राउनी खाना पसंद करते हैं तो आइए मिल्की वे होम बेकर्स और ट्राई कीजिए इनका ये डिलीशियस वाला चोको ब्राउनी। नई चौपाटी पर घूमते घूमते आपको इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कार्ट मिल जाएंगे जहाँ पर केक, चीज़ केक्स, ब्राउनी, मफिन्स ये सब इजीली मिल जाएंगे। तो डेजर्ट खाने की अगर आप लोगों को इच्छा है तो आप लोग नई चौपाटी पर आइए और यहाँ का केक, चीज़ केक्स, मफिन, ब्राउनी ट्राई करिए, आपको डेफिनेटली बहुत ही पसंद आएगा। चलिए अब चलते हैं दूसरी डेस्टिनेशन पर और वहाँ जाकर के आपको दिखाएंगे बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस वाला फूड। तब तक आप लोग अजमेर शहर के सुंदर से व्यू को एंजॉय करिए। ये जो लोकेशन आप देख रहे हैं ये है अजमेर शहर की पुरानी चौपाटी वाली रोड। यहाँ देख सकते हैं आप लोग कितने ही सारे फूड कार्ट्स हैं, कैफ़े हैं, रेस्टोरेंट हैं। तो आप यहाँ पर बैठ करके अपना फूड एंजॉय भी कर सकते हैं। सामने आना सागर लेक है, उसका व्यू भी आप अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। फाइनली हम लोग आ पहुंचे हैं इस फूड टूर की लास्ट डेस्टिनेशन पर जो कि है सिगड़ी डोसा। आना सागर लिंक रोड पुरानी चौपाटी के सामने आपको ये शॉप दिख जाएगी जहां पर मिलते हैं 99 तरह के डोसा, और साथ में आप यहां पर इनकी थाट्टा इडली भी ट्राई कर सकते हैं। ऑथेंटिक साउथ इंडियन तरीके से यहां पर फूड को प्रिपेयर किया जाता है। तो अगर आप लोग भी डोसा या इडली खाने के दीवाने हैं तो सीधे आ जाइए सिगड़ी डोसा वालों के यहाँ पर
इनके यहाँ पर डोसे में इतनी तरह की वैरायटी है आप सोच भी नहीं सकते, और यहाँ का जो टेस्ट है वो भी बहुत ही कमाल का है। तो हम लोगों ने यहाँ पर ऑर्डर कर लिया है अपने लिए एक प्लेट थाटे इडली, और एक मैंने यहाँ पर ऑर्डर किया था मैसूर मसाला डोसा। यहाँ का सिटिंग एरिया भी बढ़िया है, यहाँ पर इंडोर और आउटडोर दोनों तरह की फैसिलिटी भी है। तो यहाँ हमारी थाटे इडली की प्लेट लग करके आ गई है, आप देख ही सकते हैं इडली पे कितनी ही बढ़िया तरीके से पूड़ी मसाला डाला गया है और इसमें देसी घी भी डाला गया है। बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लग रही है दिखने में और बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है। गर्मा गर्म थाटे इडली की प्लेट सामने रखी है, चलिए भाई करते हैं इसे टेस्ट। बेस्ट एवर टेस्ट एक्सप्रेशंस देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे, बहुत ही कमाल का था। इसके बाद हमारा मैसूर मसाला डोसा भी आ ही गया। ओए होए होए, देखिए क्या ही धुआं निकल रहा है और क्या ही टैम्पटिंग लग रहा है। दिखने में जब खाना इतना सुंदर हो ना तो खाने में तो फिर बहुत ही मज़ा ही आ जाता है। चलिए करते हैं मैसूर मसाला को भी टेस्ट, और ये भी बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस था। यहाँ के फूड का टेस्ट आपको वीडियो से पता नहीं चल पाएगा, उसके लिए आपको खुद ही यहाँ पर चलकर आना पड़ेगा और यहाँ के डिफरेंट टाइप्स के डोसा को चखना पड़ेगा। आइए आप लोग भी और यहाँ का ऑथेंटिक साउथ इंडियन डोसा और थाटे इडली ट्राई करिए। इसी के साथ करते हैं वीडियो को यहीं पर एंड। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, मिलते हैं फिर किसी और इंटरेस्टिंग फूड वीडियोस के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे कनेक्टेड।